नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 14 के लिए अभी तक टीआरपी की राह आसान नहीं रही। एक और हफ्ता ऐसा आ गया जब वह टॉप 5 में जगह बनाने में पीछे रह गए। रियलिटी शो के मामले में तो केबीसी को भी पीछे छोड़ते हुए सोनी टीवी का शो इंडियाज बेस्ट डांसर सबसे आगे है। वहीं डेली सोप के मामले में अनुपमा नंबर 1 पर है, हालांकि टॉप चैनल की लिस्ट में कलर से दूसरे नंबर पर मौजूद है। बार के द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जो रेटिंग जारी की गई है, अर्बन ऑडियंस यानी शहरी दर्शकों की बात करें तो उन्हें स्टार प्लस का शो अनुपमा बहुत पसंद आ रहा है। लगातार दूसरे हफ्ते ये टॉप पर है। दूसरे नंबर पर सोनी का इंडियाज बेस्ट डांसर है। तीसरा और चौथा स्थान जी टीवी के शो कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य को मिला है। बिग बॉस भले ही टॉप 5 में ना हो, लेकिन कलर्स का बैरिस्टर बाबू 5वें नंबर पर मौजूद है। वहीं अगर रूरल ऑडियंस यानी ग्रामीण दर्शकों की बात करें तो उनकी पसंद बिल्कुल ही अलग है। ग्रामीण दर्शक को लिस्ट में नंबर 1 पर स्टार उत्सव का साथ निभाना सातिया मौजूद है। वहीं नंबर 2 पर जी अनमोल पर प्रसारित होने वाला शो कुंडली भाग्य मौजूद है। खास बात यह कि शहरी दर्शकों के साथ ग्रामीण दर्शक भी जी टीवी पर कुंडली भाग्य देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर यही शो मौजूद है। इसके अलावा ग्रामीण जनता दंगल के शो रामायण और महिमा शनिदेव भी देख रहे हैं। दोनों क्रम चौथे और पांचवें स्थान पर मौजूद है। संयुक्त रूप से बात करें तो जीटीवी का कुंडली भाग्य सबसे ऊपर है। इसके बाद नंबर 2 पर स्टार प्लस का सीरिय अनुपमा है। नंबर 3 पर इंडियाज बेस्ट डांसर है। चौथे नंबर पर स्टार उत्सव का साथ निभाना सातिया और पांचवें नंबर पर जीटीवी का कुमकुम भाग्य मौजूद है। खास बात है कि टीआरपी लिस्ट में जी टीवी का दबदबा दिख रहा है। वहीं बिग बॉस के फैंस को अभी अपनी बारी का इंतजार है।